हेलो एवरीवन, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने रेडमी 4 को अपडेट कर सकते हैं विदाउट पीसी। बूट लोडर भी अनलॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट डिवाइस में जाके अपने डिवाइस के बारे में दिखा देता हूँ। मैं अभी ग्लोबल MIUI 8.2 स्टेबल वर्जन पे हूँ। एंड अगर आप सिस्टम अपडेट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है अभी मेरे डिवाइस के लिए। बाय द वे, जो प्रोसेस इस वीडियो में मैंने दिखाया उसमें आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। तो अगर आपको डेटा बचाना है तो आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा, देन आपको बैकअप एंड रीसेट ऑप्शंस में जाना होगा, देन लोकल बैकअप खोलना होगा, एंड देन यहाँ पे आपको अपना बैकअप ले लेना है। मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ इसमें कि कैसे आपको बैकअप लेना है एंड सेव करना है। आप यूट्यूब पे किसी और वीडियो पे सर्च मार सकते हैं कि आपको कैसे आप अपने डिवाइस का बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले MIUI 9 के लिए आपको ब्राउज़र में जाना होगा और ये वाली लिंक जो है ये खोलनी होगी। डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है मैंने ये वाली लिंक। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन सेलेक्ट करना होगा। मैं Redmi 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेबल एंड डेवलपर रोम डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं डेवलपर रोम अभी MIUI 9 पे है एंड स्टेबल रोम MIUI 8 पे ही बेस्ड है। बट अगर आपको सच बताऊँ मैं तो आप डायरेक्टली स्टेबल से डेवलपर रोम फ्लैश नहीं कर सकते वाली, क्योंकि नहीं कर सकते, सिंपली एरर आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओल्डर वर्जन पे जाना होगा डेवलपर रोम के, एंड यहाँ से आपको 7.6.8 वर्जन को डाउनलोड करना होगा। मैं कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है। ये रही डाउनलोडेड फाइल दोस्तों। अब आपको सेटिंग्स में जाना होगा, देन अबाउट डिवाइस में जाना होगा, देन सिस्टम अपडेट में जाना होगा, एंड देन थ्री डॉट्स पे क्लिक मार के आपको चूज़ अपडेट पैकेज सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब आप अपनी डाउनलोडेड फाइल को सेलेक्ट कर लो, एंड फिर आपकी जो रोम है वो डिक्रिप्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको ये वार्निंग देगा कि आपका सारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, आप इरेज पे क्लिक कर दो, एंड फिर जो रोम है आपकी वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगी। फ्लैशिंग प्रोसीजर में अराउंड 10 मिनट्स लगेंगे दोस्तों, एंड फिर आपका फ़ोन जो है वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको सेटअप करना होगा उसके बाद अपना फ़ोन, जैसा एक नए फ़ोन को आप करते हैं। तो मेरा फ़ोन यहाँ स्टार्ट हो गया है एंड मैंने सारा सेटअप कर लिया, एंड मैं अभी MIUI 8 डेवलपर रोम में हूँ। अब आपको सेटिंग्स में जाना होगा, देन अबाउट डिवाइस पर जाना होगा, अब आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना होगा, एंड अब आपको MIUI 9 का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ MIUI 9 को, तो आपकी रोम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। 1.3 GB की फाइल है ये अराउंड, और फिर डिक्रिप्ट होना भी शुरू हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको रीबूट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर लो, एंड अब आपके पास MIUI 9 होगी। तो दोस्तों मेरा डिवाइस अपडेट हो चुका है, एंड मैं ज़रा आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ। मेरे पास अब MIUI 9 ग्लोबल है एंड मेरे पास एंड्रॉयड 7.1 है। सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल जो वीडियोज़ है वो लाता रहता हूँ Redmi और MIUI से रिलेटेड, एंड मेनी अदर हेल्पफुल वीडियोज़ टू। सो थैंक्स वंस अगेन।